आज की डेट में अगर प्ले स्टोर ओपन किया जाए तो मल्टीपल आपको ऐसी एप्लीकेशन मिलेंगी जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर ही लोन दे देती हैं, और वो एप्लीकेशन RBI से ऑथराइज है। अगर व्यक्ति उनका भुगतान करने में थोड़ी सी देरी करता है, व्यक्ति को पूरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, उसके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया जाता है, उसके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसके फोटोज वायरल किए जाते हैं और कहा जाता है ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति 420 कर चुका है, इस व्यक्ति ने हमारी कंपनी का इतना पैसा ले लिया है, हम इसके ऊपर केस करने जा रहे हैं, इस व्यक्ति को अब पुलिस पकड़ लेगी, आप इसको ढूंढ करके इमीडिएटली हमारा पैसा पे करा दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर भी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लगातार ऐसे ईमेल्स मुझे आते रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल किया और बताया, सर मैंने कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया, जैसे कि क्रेडिट बी, किस्त फाइनेंस, रूफीलो, स्मार्ट कॉइन इत्यादि। इन एप्लीकेशंस का मैं पैसा नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास में पैसे की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में रिकवरी एजेंटों ने काफ़ी परेशान किया, मेंटली डिस्टर्ब किया, इवन मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में पूरे तरीके से मेरा फोटो वायरल किया और कहा गया कि ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति 420 कर चुका है, ये व्यक्ति हमारा पैसा नहीं दे रहा है और इस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं, अगर आप इस व्यक्ति को हमारे पास भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा हम इसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे और आपके ऊपर भी हम कंप्लेंट करेंगे, आपके घर पर भी पुलिस आएगी। तो इस बात को लेकर के व्यक्ति काफ़ी परेशान हो गया, काफ़ी डर गया। व्यक्ति ने पूरे तरीके से इनकी कॉल्स को इग्नोर कर दिया, उसने कई यूट्यूबर से एडवाइस ली तो उसको एडवाइस भी किया गया कि भाई तू इनकी कॉल्स को इग्नोर कर दे। जब कॉल्स को पूरे तरीके से इग्नोर किया, आज 1.5 साल बाद क्रेडिट बी कंपनी के द्वारा एक उन्हें नोटिस भेजा गया जिसमें कि बताया जा रहा है कि हम आपके ऊपर हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं। अब भाई हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं, व्यक्ति इस बात को देख करके काफ़ी डर गया, काफ़ी घबरा गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, हाई कोर्ट में केस करने वाले। अभी जस्ट उसने मुझे जब ईमेल किया, सारी बात बताई और ईमेल में उसने सब चीज़ें लिखी, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई देखिए, सबसे पहले अगर कोई बैंक NBFC है, आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वो आपसे बाय नोटिस लीगली तरीके से बात करेगी, अच्छे तरीके से आपसे आपका कंसर्न पूछेगी कि भाई आप पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। डायरेक्टली कोई बैंक NBFC कोर्ट में नहीं जाएगी, और हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो बैंक और NBFC को निचली अदालत में ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट तक की तो बात ही नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के मैंने उससे कहा भाई तू नोटिस मुझे भेज, तो नोटिस मैंने पाया, पूरे तरीके से फ्रॉड, फर्जी, फेक और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इन छोटी मोटी कंपनी से लोन ले लेते हैं और जब इनका पैसा देने में थोड़ी देरी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनके साथ में काफ़ी उत्पीड़न किया जाता है, जब ये सारे हथकंडे आजमा लेते हैं रिकवरी एजेंट, तो व्यक्ति को ये डराना शुरू करते हैं, किसी के पास में कहेंगे कि भाई हम फलाने पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। तो गाइज आपको बता दूं, सिर्फ ये आपको डराने का एक तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप पैसा देने में सक्षम हैं तो इनका आप पैसा दे दें, अपना पीछा छुटाएं। अगर आपके पास में पैसा है ही नहीं तो गाइज कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप जानबूझ करके किसी भी बैंक NBFC या लोन एप्लीकेशन का पैसा रोक करके बैठ जाते हैं, इस केसेस में आपके ऊपर मल्टीपल केसेस लग सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी लोन को जानबूझ करके डिफॉल्ट नहीं करता है, उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है जिस वजह से व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है, लेकिन ये दलाल, ये फर्जी लोग क्या करते हैं, उसको डराना शुरू करते हैं, उसको धमकाना शुरू करते हैं, उसकी इज्जत पर प्रहार करना शुरू करते हैं। इनको पूरे तरीके से सटीक वे में जवाब देने अगर आप चाहते हैं तो आप कानूनी तरीकों का उपयोग करें, अन्यथा आप इनसे डरे घबराए ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं कॉमेंट के जरिए, ईमेल के जरिए दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बेहतर होते हैं, आपके सुझाव को देख करके हम अपने कॉन्टेंट को और भी बेस्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर का करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाकी आप मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैंने सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। छोटे छोटे अपडेट पाने के लिए मेरा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे लोगों से आप बच के रहें। धन्यवाद।